माननीय अनिल सिंह चौहान जी आपके मंच पे आ रहे हैं, माननीय बाबूराम पाल जी आपके मंच पे आ रहे हैं, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी आपके मंच पे आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नेता का स्वागत करना है, जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए, जोरदार तरीके से ताली बजाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय जिंदाबाद, 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 भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, 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 मोर्चा जिंदाबाद, 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 भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 बाबूराम पाल जिंदाबाद, 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 माननीय प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, जिंदाबाद। नेता जिस नेता का इंतजार आप कर रहे थे आपके बीच में पधार चुके हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, एक जयकारा लगाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय बाबूराम पाल जिंदाबाद, 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 जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, मोर्चा जिंदाबाद, 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 सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 माननीय ओमप्रकाश राजभर जिंदाबाद, 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 माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 जय सुहलदेव। आपके नेता देख लीजिए, जिस नेता को इंतजार में आप लगे हुए थे आज ये कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, ऐसा संदेश आज इस पूर्वांचल की धरती से आज यहाँ उमड़ी हुई जन सैलाब दे रही है। तो साथियों ऐसे उत्साह के साथ आपको नारा लगाना है, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय उनका साजबा जिंदाबाद, 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 जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, माननीय उनका साजबा जिंदाबाद, 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 भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जय 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 सुहलदेव, जय सुहलदेव। अरे भाई खाना तो हर सबका पच गया, लोका तनी नारा जोर से लगावा, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव। अरे बाबा जी के हाथ तक आवाज ना जाता, 2022 में जब कुर्सियां हमान के देव लेवा के हो, वो कुर्सियां से हटावे बदे आवाज पहुंचावे के होई, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, माननीय उनका साजबा जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद प्रजापति जी, श्रीमान अनिल चौहान जी अध्यक्ष राष्ट्रीय उन्नत पार्टी, राम सागर बिंद जी अध्यक्ष भारत माता पार्टी, बाबूराम पाल जी अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी, हम सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं से निवेदन करेंगे कि माला पहनाकर हमारे सभी बड़े नेताओं का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, अपने पार्टी के राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी, पार्टी के प्रमुख महासचिव माननीय अरविंद राजभर जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ सुनील जी भी आ जाए, सुनील, सुनील सिंह जी, रुद्र प्रताप जी, हाँ सब लोग ठीक, अरुण राज इस माला उठाइए, अनिमेश मिश्रा जी ये सहयोग करें, सहयोग करें और माला लाकर पहनावे, जल्दी लाइए। उधर पकड़िए कुछ लोग, चलिए आप लोग जरा सच्चे गति से, आपके बीच में आपके महबूब नेताओं का स्वागत हो रहा है, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नारा पहनवा जी, एक सेकंड, अरे यार यही समय है। हेलो, इधर कंट्रोल करिए, इधर आप जरा सा इधर कंट्रोल करिए।
अब मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से उनके नेताओं के द्वारा माननीय माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। आप लोग जगह खाली कर दे आगे से, अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग आगे से जगह खाली कर दे, समाजवादी पार्टी नेताओं को आगे जगह दे दे। आप लोग सुनील जी, सुनील सिंह, रुद्र प्रताप जी, ये सभी लोग आगे से मंच खाली कर दें, अपने जगह पे जाके बैठे, समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने नेताओं का स्वागत करने का अवसर दें। इसके बाद अरुण जी फोटो कहाँ है, किसका है, आइए बताइए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। फोटो जैसे ये हमारे लिखे हैं ना, कहाँ लिखे हैं? ये लोग का माला नहीं है, हो गया पहना दिया। अब आप लोग अपने जगह ले लीजिए, आप सभी लोग। अब मैं फोटो लाइए, हमें नहीं बात करेंगे। अब महिला मंच के द्वारा माननीय ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव जी का माल्यार्पण का स्वागत किया जाएगा। इसमें श्रीमती तारामणि जी, राधिका पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनीषा सिंह जी, उसमें लीलावती कुशवाहा जी भी रहेंगी। इन लोगों के तरफ से माल्यार्पण करके अपने महबूब नेताओं का स्वागत किया जाएगा। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप जितने ग्राउंड में हो, ये पीछे आप लोग क्या कर रहे हो। नेताजी उस मंच से बोलेंगे, उस माइक से आप लोग उधर चले जाओ, नेताजी यहां से नहीं बोलेंगे, नेताजी उस डैश से बोलेंगे। आप लोग काहे को धक्का धुक्की कर रहे हो, ये बैरिकेड टूट जाएगा, स्वागत की बात है। तो आप पीछे धकेलो, आप लोग घूम जाओ, आप लोग पीछे धकेलो उधर। ये कहने से काम चलेगा नहीं, रुको भाई, ये कहने से काम नहीं चलेगा ना, ठीक है? हाँ, मुकुट वाला अब जो है वो सूची नहीं है। त्रिवेणी राम जी, वो जो मुकुट वाला कार्यक्रम, ब्रिज किशोर यादव जी और त्रिवेणी राम जी वहां नहीं पाएंगे मंच पे भी। बोलिए, ये आप लोग के तरफ से माननीय ओम प्रकाश राजभर अब बुला नहीं पाएंगे। ब्रिज किशोर यादव जी मंच पे आ जाए और माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। अब जो है देखिए, अब आपके बीच में माननीय मंत्री जी के पिताजी श्रीमान सन्नू राजभर जी के द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी को चांदी का मुकुट भेंट करके स्वागत किया गया पहनाकर।
आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाइए। और माननीय मंत्री जी अपने पिताजी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, जोरदार स्वागत होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी साफा देकर माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। बीच में अभी अरुण राजभर जी के द्वारा प्रेमचंद प्रजापति बाबू रामपाल जी को, अनिल चौहान जी, राम सागर बिंद जी, इन सभी लोगों को चांदी का मुकुट देकर उनको पहनाकर उन लोग का स्वागत किया जा रहा है। अब माननीय अरुण राजभर जी के द्वारा माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने नेताजी का स्वागत चांदी के मुकुट के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। फोटो। अब जो है महाराजा सुहेलदेव जी का टेली चित्र जो पीछे रखा हुआ है पीयूष जी, वो चित्र ला कर दीजिए। आपके बीच में ये 22 का संकेत मिल रहा है, देख लीजिए। अब माननीय नेताजी महाराजा सुहेलदेव राजभर का एक चित्र माननीय अखिलेश यादव जी को भेंट करके स्वागत करेंगे। आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अब जो है अभी महाराजा सुहेलदेव जी का जो लाइए, अब माननीय अरविंद राजभर जी और राम सागर बिंद जी की तरफ से माननीय अरविंद राजभर जी को ये भेंट किया जा रहा है। अभी आपके बीच में राम सागर बिंद जी को माननीय मंत्री जी चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। पीछे तक दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आवाज जा रहा है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। इसके बाद अपने सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं को महाराजा सुहेलदेव राजभर की टैली चित्र भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल जी, माननीय अनिल चौहान जी, माननीय राम सागर बिंद जी, इन सभी लोगों को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का तैली चित्र भेंट करके इनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद अरविंद टकाव है। इसके बाद चलिए हम देख रहे हैं, जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए फौज, जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ताली में दम नहीं है, ताली में दम नहीं है, जरा जोरदार ताली बजाइए। अब देखिए इस कार्यक्रम को रूप देने वाले जिन्होंने यहां तक माननीय अखिलेश यादव जी को पहुंचाया है, भाई उदयवीर जी को जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए और इनको हम भेंट करते हैं। माननीय उदयवीर जी को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का तैली चित भेंट करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए भाई, ताली में दम नहीं है क्या? इतना तो नेताजी बताते हैं ना, कितनी आवाज तो बड़कड़कार पे लोग कर देते हैं, मुर्दा आप लोग जिंदा हो। जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए नेताओं का अपने।
अब इसके बाद मैं निवेदन करता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय अरविंद राजभर जी बगल के डायस पर पहुंचे और उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। माननीय अरविंद राजभर जी, गगनभेदी नारों के साथ, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना दम हो लगा दो, वक्त बहुत कम है, जितना दम हो लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगा दो। वह शक्ति इन्हें दो दयानिधे, वह शक्ति इन्हें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, खास करके नौजवान भाइयों आपके लिए, वह शक्ति इन्हें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प हम जैसे युवा लेने का कार्य करेंगे। आज इस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का अनन्य बार में स्वागत करता हूं, लाखों लाख बार में स्वागत करता हूं। मैं एक बार आप सभी युवाओं से, बड़े बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों से निवेदन करूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश साहब जी का इस मंच में स्वागत कलकलात जोरदार तालियों से करके दिखाओ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको विश्वास दिलाओ आप कि 2022 में, आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा के तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी लेने का कार्य करेंगे। आज ये उमड़ा हुआ जनसैलाब, ये उमड़ा हुआ जनसैलाब, ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता और बहनों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ 2022 के सरकार को स्थापित करने का कार्य करेगा और ये भारतीय जनता पार्टी को जमीन में दफनने का कार्य करेगा। ये हमारे प्रदेश का नौजवान, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो आप लोग। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कहने के लिए बहुत बातें हैं, मंच पर बहुत लोग बड़े बैठे हुए हैं। मैं लाखों लाख, हजारों बार, करोड़ों बार मैं इस मंच पर माननीय जी का स्वागत करता हूं और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति, जय समाजवाद। मैं इसके बाद श्रीमान प्रेमचंद प्रजापति जी, अध्यक्ष भागीदारी पार्टी पी, आप दो मिनट में अपने विचार को रखें उसी मंच से, वहीं से। सर्वप्रथम देश के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महाराजा सुहेलदेव, महात्मा संत राम बीए, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, माता अहिल्याबाई होलकर, सभी देश के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज भारतीय समाज पार्टी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के मुखिया बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी और हम लोगों के गार्जियन भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय बाबूजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी, नौजवान साथियों, माताएं बहने और भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेतागण, सभी साथियों का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन आज ये महागठबंधन, ये महागठबंधन ने संकेत दे रहा है पूर्वांचल की धरती से, इस बेईमान सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय झूठ पार्टी सरकार को, इस देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश का ये आलम है, किसी का मान सम्मान, समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय झूठ पार्टी की सरकार, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी की सरकार बन गई है। साथियों, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज यहाँ भागीदारी संकल्प मोर्चा ने जो शंखनाद किया है,
आदरणीय बाबूजी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आह्वान पर, बड़े भाई अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, समाजवाद के अभियान समाजवाद के आवाज पर आज यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा है साथियों, ये संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का सियासत 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाकर इन बेईमानों को इस देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना है साथियों। आज शिक्षा का आलम जो है, महंगाई का आलम जो है, नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार का आलम है, ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर पूरे देश और प्रदेश को लूटा जा रहा है, पूरे देश और प्रदेश को ये भारतीय जनता पार्टी के माफिया आरएसएस के गुंडे, ये साथियों ये आलम है। आप लोगों को, हम लोगों को जागना होगा और अपनी भागीदारी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और आज जो प्रजापति समाज के साथी यहाँ आए हैं, भागीदारी पार्टी के जो नेता पदाधिकारी आए हैं, आज यहाँ से शपथ लेकर जाएं, आज यहाँ से शपथ लेकर जाना है साथियों कि आज के बाद गांव-गांव घर घर जाके अपनी आवाज को बुलंद करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी, जय समाजवाद, जय महाराजा सुहेलदेव। मैं राष्ट्रीय उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल चौहान जी से चाहूंगा तो अभी आवे और दो मिनट में अपने विचार कर रखे। माननीय अनिल चौहान जी, सर्वप्रथम सभी जाति सभी धर्म के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज भारतीय सुहेलदेव पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हम सबके गार्जियन इस मोर्चे के अगुवा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे पिता दुदल अभिभावक, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, तमाम सहयोगियों, साथियों, सुरक्षा कर्मियों, मैं आप सभी लोगों के दिल के गहराइयों से कोटि कोटि नमन अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहता हूँ। पानी में पत्थर मारने से, अरे पानी में पत्थर मारने से लहरों का उठना बगावत नहीं है और अपना हक का हिस्सा अधिकार मांगना भी कोई बगावत नहीं है साथियों, कोई बगावत नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, आज हर गरीब नौजवान हर किसान मजदूर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आया है। ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, एक तो गुजरात के आसाराम और दूसरे गुजरात के झासाराम, मैं इस मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ कि आंख खोल के देख लो, अब तुम्हारा झासागिरी चलने वाली नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, खास करके अपने चौहान समाज भाइयों से बता दूं, आप क्यों बीजेपी बीजेपी चिल्लाते हो? आए दिन पूरे प्रदेश में लूट, हत्या, रेप, बलात्कार जैसी तमाम मामलाएं आ रही है। समय का ध्यान गए भारतीय जनता पार्टी, कहां गए झासाराम? साथियों, समय का अभाव होने के नाते मैं आप सभी लोगों को से क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज चौहान। अब इसके बाद भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद जी आवे और समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ दो मिनट में अपने विचार रखें। श्रीमान राम सागर बिंद जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री, युवाओं के धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी और कार्यक्रम के आयोजक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक पूर्व कैबिनेट मंत्री गरीबों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। साथियों, इस महापंचायत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में जितना काम हुआ है आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। पढ़े लिखे स्नातक बेरोजगार छात्रों को पहली बार बेरोजगारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता मिला था। अखिलेश सरकार में
संचार का सबसे महंगा आइटम लैपटॉप इंटरपास छात्र छात्राओं को पहली बार समाजवादी सरकार में शुरुआत हुआ था। अखिलेश सरकार में गरीब असहाय बेबस को इंसाफ दिलाने के उद्देश्य से समाजवादी सरकार में पहली बार शुरुआत हुआ था। 100 नंबर डायल करने पर मुकदमा घर बैठे लिखा जाने लगा। साथियों, आज हम लोगों के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो त्याग और समर्पण के बल पर आज भीड़ इकट्ठा करने का काम किए हैं, जो कुशासन सरकार योगी का है, मोदी का है, उसको बदलना है। अब की बार अखिलेश की सरकार। धन्यवाद साथियों। साथियों, ये जो हमारे प्रेस के साथी हैं, इनके अगल बगल जो पार्टी के नेता हैं, जल्दी बगल होइए। हमारे जो पार्टी के नेता हैं, वहां प्रेस के सामने से अगल बगल से हट जाइए। आप लोग बात मानिए, तुरंत हटिए, नहीं तो हमको खुद आना पड़ेगा वहां। जल्दी 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 प्रेस के लोगों के यहां से सब लोग हटिए, प्रेस के लोगों के नजदीक से सब लोग हटिए। जल्दी जल्दी बगल हो जाइए आप लोग। भैया देखो, आप लोग जितने जल्दी हटोगे उतना जल्दी मजा आएगा। प्रेस के साथ थोड़ा दूरी बना के रखो आप लोग, तभी आप लोग देख पाओगे टीवी पर। भाई यार, थोड़ा शांति मनाओ, शांति मनाओ। ए भाई, जो झंडा सर पे रखे हो साथी, बगल हो जाओ, बगल हो वहां से, बगल होइए, बगल होइए, बगल होइए। आप ही को कह रहा हूं, बगल होइए। नहीं नहीं, बगल होइए, बगल होइए। अरे भाई, ये कार्यक्रम आप लोगों का, इसको आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप बगल होइए, जरा जरा बगल होइए। आप ही कह रहा हूं, बगल हो जाओ, बगल हो जाओ भाई। अब इसके बाद राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बाबूराम पाल जी आवे और अपने विचार को 2 मिनट के अंदर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सूबे के कोने कोने से पधारे सभा में सभी महापुरुषों का, सभी मान्यवर माताओं बहनों नौजवान साथियों बच्चे, आप सभी लोगों का सुहेल भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित हम सभी के मार्गदर्शक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। युवाओं के दिलों की धड़कन, सूबे के भविष्य, परम सम्मानित समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम ऐसी एक पार्टी का 19वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जो अर्थ से निकल करके, एकदम जमीनी लेवल से निकल करके आज सूबे का भविष्य तय करने जा रही है। तो ऐसे मसीहा, ऐसे उत्तर प्रदेश के मसीहा परम सम्मानित माने ओम प्रकाश राजभर जी के लिए चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। साथियों, मैं भविष्य बता दूं, हमारे पिछड़े समाज के नौजवानों का भविष्य अगर किसी ने खराब किया तो भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया है। साथियों, हमारे पिछड़े समाज के जो आईएएस की परीक्षा देते हैं, हमारे नौजवान साथी ऐसे 2015 में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद 324 आईएएस क्वालिफाई करने वाले बच्चों का सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया, केवल क्लीमी लेयर के आधार पे।
और आज वही भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को आईएएस बना करके मनोनीत करके सचिव और प्रमुख सचिव बना करके ऐसे 40 लोगों को बैठा दी है जो प्रदेश और देश का भविष्य तय करेंगे। यह अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पिछड़ों की सरकार में हो रही है। तो हम सभी लोगों को मानना है, अगर अपना भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो सबसे पहले आज संकल्प लेकर के जाना है कि भारतीय जनता पार्टी को हमको सत्ता से बेदखल करना है और समानतावादी भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2022 में कुर्सी पे बैठाना है, यह संकल्प लेके जाना है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भागीदारी संकल्प मोर्चा, जय सुहेल देव पार्टी। अब मैं आपके बीच में ऐसे शेर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, गरीबों के मसीहा, आज पूरे देश में गरीबों की आवाज उठाने वाले, अति पिछड़ोती दलितों की आवाज उठाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर से निवेदन करता हूँ कि आप आवे और अपने विचार। माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सुहेल से भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी, भाईचारा मिलत का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, नारी को सम्मान गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूरदान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील करने वाले लौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव जी, अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान, संत गाडगे सहित सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिस उम्मीद के साथ आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया। अरे भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं, जोरदार ताली बजाकर दोनों हाथ ऊपर उठाओ हमारे के तरह, दोनों हाथ जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करो, हाथ नीचे करो। मंच पर बैठे हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, हमारे राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसागर बिंद जी, जनता उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल चौहान जी, सतीश बंजारा जी, हमारे गुलाब खंगार जी, सुनील अर्कवंशी जी, जरा खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आप देखा हमार बात सुना, ठीक ना? नहीं यार, देखा तू लोग हमार बात सुना, कितना जने हमार बात सुनबा, हाथ उठावा। अच्छा ये बतावा, देखा हम भाषण न दे, भाषण से आप बैठल हुआ उदयन, ये बतावा कितना जने बिजली के बिल से परेशान है, तई हाथ उठावा, परेशान है या न? तो आज देखा यहाँ महापंचायत बा, यहाँ वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत बा, बोला जे बिजली के बिल से एक प्रदेश में परेशान हो, तब बिजली के बिल से जे जे परेशान हो, हाथ उठौला, सब लोग उठौला, न परेशान है न? दोनों हाथ उठावा जे जे परेशान हो। देखा आज आपके सामने आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूँ, 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूँ। आप बतावा हमार देखा
बात साफ साफ सुना भैया बैठल हुआ, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। आप बोला कितना जने बिजली का बिल माफ करेबा? नहीं दोनों हाथ उठावा, माफ करेबा ने? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पावर दे ले हुआ ओटे से, आपके ओर से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी दिन शपथ लेते ही घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, ये कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। दूसरा काम, अब दूसरा काम सुना, दूसरा बात का हो, कितना लोग महंगाई से परेशान हुआ तो हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा, महंगाई से परेशान हुआ ना? तब महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? कितना लोग महंगाई से छुटकारा चाहत हुआ, हाथ उठावा, छुटकारा चाहत हुआ ना? यही बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लेके आल है लाया। बहुत सा विरोधी कहियन कि ओम प्रकाश राजभर, अरे ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है ना, 22 में आपको मिलने जा रहा है, महंगाई के सवाल पे है जोन बायन लखनऊ और दिल्ली में बैठल, दुनिया में अगर एक नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है, बोलो है कि नहीं है? एक नंबर का झूठा, और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, बोलो दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है? कितने लोग बदलना चाहते हो, चाहते हो? ये हमने के भाषण सुनौलन, महंगाई कम होई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के कितना कैलन, 1000, सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कितना कैलन, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के कहां कैलन, 100 बार डीजल 55 रुपया से कहां पहुंचौलन, और देखा रहरी का दाल 50 से कहां पहुंचौलन, 100 बार तब बोला महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? यदि महंगाई से निजात चाहत तो हाथ उठावा। बंगाल में खेला होबे का नारा लगल रहल, का लगल रहल? बंगाल में खेला होबे का नारा लगा, और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे, कहा होबे, जोर से बोलिए, कहा होबे, खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फाव जाओ, अखिलेश यादव जी का फाव जाओ, ये फाव से टकराने की हिम्मत अब मत करना, अब तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। बोला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग विदाई चाहत हुआ, हाथ उठावा, विदाई चाहत हुआ ना? तई बतावा ये लड़ाई के लड़ी, जे जे लड़ाई लड़ी उठावा, लड़ाई लड़बा ना? अब आगे देखा ये बतावा, जेकरे घरे पांच लोग हो, पांच पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में दुइया लोगन का नाम हो, तब बतावा राशन पांचों लोगन के मिली ना मिली? यही बदे आज माननीय अखिलेश यादव जी के बोलौले आई, 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है। साथियों बोला कितना जने चाहत हुआ कि जातिवार जनगणना होए के चाहिए? हाथ उठावा, देख रहे हाथ उठावा तब मानव। तीसरा काम का चाहत है, कोई भी गरीब, कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है
जितना रुपया लगेगा उतना रुपया माननीय अखिलेश यादव जी से दिलाऊंगा और गरीबों का इलाज फ्री में कराने का कानून पास करूंगा। बोलो सही है कि नहीं सही है? कितने लोग चाहते हो कि कानून बन जाए? चाहते हुआ न? देखा भीतर भैया मुस्कियात हमन, जोरदार ताली बजा के ध्यान, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और काबा योगी जी बेचारे, योगी जी महात्मा हमन, अभी अन्ना पशु जोन मिलत रहना बुंदेलखंड में, आई बुंदेलखंड से अन्ना पशु बढ़ा के पूरे उत्तर प्रदेश में ला दिया। आज किसान डंडा लेके रात को अपनी फसल अगो रहा है और ये कैन की नींद योगी सो रहा है। इस नाते ये किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। एनपीके 265 रुपया बढ़ा दिया, डाई 50 किलो से 5 रुपया कम कर दिया और ये किसानों का धन दुगुना करने की बात करते हैं। घबराओ नहीं योगी जी, ये ओम प्रकाश राजभर है, अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूँ तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। बोलो है कि नहीं? कितने लोग चाहते हो कि सत्ता से योगी को हटा दिया जाए? दोनों हाथ उठाओ जोर से और ताली बजा करके स्वागत करो। आप अच्छा ही बतावा, देखा हमारा झगड़ा भैया तई सुन मर दे देखा हमार झगड़ा बहुत से लोग का तो नहीं, कहे बजे मंत्री पद छोड़ दलन। साथियों मैं रुपया कमाने लखनऊ नहीं गया था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देकर योगी और मोदी को बता दिया कि देखो ये समाज की लड़ाई लड़ने नेता निकला है, तेरी गुलामी 420 करने नहीं, तेरा जूता पॉलिश करने नहीं। ये पिछड़े समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये सब के सब लोडर हैं, ये योगी मोदी का जूता पॉलिश करते हैं। इनकी औकात नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण, पिछड़ों का लूटा गया। एक भी पिछड़े समाज के नेता जो भाजपा में हैं, उनकी जबान नहीं खुली। ओम प्रकाश राजभर जब बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकते। तो आज तक टाइम आ गया, 19 साल आज हो गए, काली से 20वां शुरू हो जाई न। अब मन बना ला, हम लोग तय कैले है, हम लोग तय कैले है, हम लोगन का योजना बा कि जोन किसानन का 11 महीना से धरना देखुन, ये किसानन का बात सुनात ना ही लोग के, भारतीय जनता पार्टी के नेतन के ना सुना था। इन्हने के लौटाबा कि लोग के मोतियाबिंद भैल हो, तो 2022 के चुनाव में इनके लोगन के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करे के हो। बोला कितना जने करबा न। और देखा आगे देखा भैया बैठल अमन, हम चाहा थिला कि देखा हम आने का सोच बा विचार बा कि हमरे तमाम पुलिस के साथी यहाँ हैं, ये भी कर्मचारी राज्य सरकार के हैं और वहीं सारे कर्मचारी हफ्ता में ड्यूटी करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन इनसे 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ली जाती है और तनख्वाह इनको 8 घंटे की दी जाती है। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी इसको सुन लीजिएगा, जो 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, 8 घंटा की तनख्वाह मिलती है, 8 घंटा 10 घंटा की तनख्वाह इन्हीं गरीबों से पीट करके वसूला जा रहा है, इसको रोकना है। बताओ रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। इसके लिए हम लोग तय करेंगे कि अब पुलिस विभाग भी ड्यूटी 8 घंटा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, जो वेतन विसंगति है इसको दूर करना है। और दूसरा काम क्या करना है, ई बॉर्डर सीमा लगा है, बलिया का सिपाही बांदा में ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का गाजियाबाद में, आजमगढ़ का आगरा में, अब बॉर्डर सीमा खत्म करके उनको अपने बगल के जिले में नियुक्ति देने का काम भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोगों को यह सही लग रहा है? और अब आप आगे सुनो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चौकीदारों की तनख्वाह जब 1,500 था
तो 2500 कर दिया, 1000 रुपया बढ़ा दिया। और पूरे प्रदेश के चौकीदारों का आह्वान करता हूँ कि आज आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं, मन बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ, तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। आपके सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रदेश के चौकीदार भाइयों, पीआरडी के नौजवानों, पीआरडी के नौजवान, हमारे होमगार्ड साथी, हमारे पुलिस विभाग के लोग एक साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो वेतन विसंगति है इसको भी दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। साथी, हम लोगों ने मन बनाया है, हमारे कर्मचारी, हमारे भावी मुख्यमंत्री भी कहा करते हैं कि अब हम लोग जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिनकी पुरानी पेंशन की लड़ाई है, 2022 में सरकार बनाओ, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाओ, मैं दावे के साथ कहता हूँ तेरा पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, बोलो बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मन बनाओ, देखा खम्मा तो हिलबे करी, खम्मा तो हिलबे करी, जबले हुरल न जाई, सत्ता तब तक न मिली जब तक हम हमने मिल के लड़ल न जाई। बोला कितना दिन लड़बा मिलके लड़बा न। आप भारतीय समाज पार्टी के नेताओं और समाजवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्र उदय पार्टी, जनता उन्नत पार्टी, भारत माता पार्टी के नेता समर्थक साथियों, कान खोल के सुन लो, आज के बाद कल से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू करेगी कि ओम प्रकाश राजभर 500 करोड़ में बिक गया, 1000 करोड़ में बिक गया। उनसे बता देना कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तेरी नहीं, तेरे दादा की औकात नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद ले। बता देना उनसे, अगर ये मीडिया के माध्यम से, हमारे कुछ मीडिया के साथी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ओम प्रकाश राजभर को कोई अफवाह फैलाते हैं तो इनकी बात पर यकीन मत करना साथियों। ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना। कोई भी खबर आवे, कोई भी बात तेरे बीच में आती है, कभी मानने की कोशिश मत करना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस भीड़ में हाथ उठवा देता हूँ। बताओ साथी, जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के, चंदा लगा के गाड़ी करके आए हो, जरा हाथ उठाओ। ये देखो माननीय अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज वर्तमान मुख्यमंत्री हो, ये वो हमारी भीड़ है, अपना पैसा लगा करके आती है। ये योगी और मोदी की भीड़ नहीं, जो 500 रुपया दे करके, भोजन दे करके, गाड़ी दे करके आते हैं, वो भीड़ नहीं है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आई हुई भीड़ है, ये आपको मुख्यमंत्री बनाने आई है भीड़। बताओ कितने लोग चाहते हो कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, चाहते हो ना? अब हमारी बात सुनो, आप देखो ये लड़ाई बात सुनो, ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव, रामसागर बिंद, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, गुलाब कंहर, सतीश बंजारा, हमारे प्रेमचंद कश्यप और सुनील अरकबंशी की लड़ाई नहीं। हम सबको गांव-गांव में जाके प्रचार करना है कि घरेलू बिजली का बिल जिसको माफ कराना है, आओ हमारे साथ, तेरा घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ कर दिया जाएगा। ये प्रचार गांव-गांव में करना है। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग आज से चर्चा शुरू करो। दूसरा काम करो कि देखो, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने का कानून माननीय भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग सरकार बना करके इसको लागू करने का काम करेंगे। स्नातकोत्तर तक कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग आपको फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का 2022 में हम लोग प्रयास करेंगे। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? कितने लोगों को ठीक रहेगा, जरा हाथ उठाओ। और का होई, जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई सारी सुविधा दिया जाएगा, जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई। अब ऐसने माता बाप के जेल भी भेजे का कानून बना करके मानूंगा। बोला बने के चाहिए कि न बने के चाहिए?
पूरे प्रदेश को शिक्षित करना है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा ओम प्रकाश राजभर ने उठा लिया है। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, हम गरीबों का इलाज फ्री में करने के सवाल पे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के समान सवाल पे हम आज आपके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी को भावी मुख्यमंत्री को लेकर के आपके बीच में आया हूं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर बिक गए तो बोलो उसकी बात मानोगे? माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं यहीं, उनकी पूरी पार्टी के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बैठे हुए हैं। ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है, मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को गरीबों की लड़ाई से एक इंच भी कोई विचलित नहीं करा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर है। और आज आए अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, आए अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो, देखो इस समय देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। इसको बचाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है, तब जाकर के हमारी विरासत बचेगी। और जो सबसे बड़ी धरोहर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देश को संविधान दिया, हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया, इसको भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसको बचाने के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, दलगत राजनीति से ऊपर उठो, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, देश की संपत्ति बचाने के लिए एकजुट हो जाओ, कोई आवश्यकता है तभी तेरा कल्याण हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी नारा दिया था हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। कैलन का चाय बेचत रहलन, चाय बेचलन, 40 साल भीख मांग के खैलन। ई मोदी जी कहलन कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था और भीख मांग के 40 साल खाया, ये मैं किए। उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात में थे, 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। कुल जोड़ देबा तो 150 साल उम्र, कुल जोड़ देबा तो 150 साल उम्र। आई भाषण मारते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, और नारा दिया था आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। अरे मोदी जी, हवाई हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ाते चढ़ाते हवाई जहाज बेच दिया। बोलो बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मैं साथ रह करके देख चुका हूँ ये कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख दूंगा, खाता खोलवाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। मिलल? कोई के मिलल? ना मिलल। 2 करोड़ हर साल नौकरी रोजगार दूंगा, 3 लाख कंपनी नोटबंदी करके बंद कर दिया, GST लागू करके 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। लगभग साथियों 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया ये नरेंद्र मोदी जी। और योगी जी कहते हैं, एक बार बोलते हैं कि हमने 40 लाख नौकरी दिया, फिर बोलते हैं 28 लाख दिया, फिर बोलते हैं 25 लाख दिया, अब क्या बोल रहे हैं कि 4 लाख दिया। 4 लाख दिया किसको दिया? अरे लूट लिया तूने पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा तूने लूट लिया। इस नाते अब तेरे बहकावे में नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को इकट्ठा करके, वंचित समाज को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपने की तैयारी ओम प्रकाश राजभर से शुरू कर दिया। बताओ साथी, भारतीय जनता पार्टी की बात पर कोई यकीन करेगा? अब बोलो कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। और देखो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री जिनको देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को क्या कर रहे हैं? ये गरीब, ये अशिक्षित, ये लोग देश पर बोझ हैं। आए अमित शाह जी,
मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये गरीब ये अशिक्षित अगर ये देश के लिए बोझ है तो इनके बीच में मर दो, तो वोट मांगने मत आना इनके बीच में। ये ओम प्रकाश राजभर कहता है, इन गरीबों के बीच में, इन अशिक्षित लोगों के बीच में वोट मांगने मत आना। अगर भाषण देते हो और योगी जी आप कहते हो, इनके योगी के नेता कहते हैं ये पिछड़े दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग ये भैंसा है, कहते हैं ना, ये कहते हैं भैंसा है, तो अपन अपन भैंस ठीक कर ले रहा, बोला गलत ना बोले थे। अगर इन्होंने हमने के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के भैंसा बनावत मन भाजपा के लोग, तो इनका लोग उनका भैंस बोला सही कहते ही गलत कहते ही। ये लोग सोचा तुम्हें कि कोई ना बोली, अरे महाराजा सुहेलदेव राजभर की औलाद, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर, सीना ठोक करके ललकारता हूं, घबराओ नहीं, अब अहीं तई झांकी हो, अब अहीं तई झांकी हो, असली खेल तो बाकी है। ये सोच ला यहाँ जितना लोग जुटल हुआ, ई कान खोल के सुन ला, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर आज से बिगुल बजा दिया, आज से बिगुल बजा दिया हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बिगुल आज हमने यहाँ से शुरू किया है। बताओ सही है कि नहीं, कितने लोगों को सही है, जोरदार ताली बजाओ हाथ, ताली में दम नहीं है भाई, जोरदार ताली बजाओ। देखा पीछे लोग जो सड़क पर खड़ा हो, ये लोग ताली ना बजावे तो उधर जोरदार ताली बजाइए, देखा जे पीछे है वो ताली बजावे, 5000 लोग पिछमा बहन पिछमा वो लोग सुना तुमन। आई यहाँ मोदी योगी बजे पैसा दिया था, अधिकारी लोग लपटल हुमन कि पैसा ले ला, खाना ले ला, गाड़ी ले ला, जाओ उनके मीटिंग में। ये ओम प्रकाश राजभर हुमन, तुहार पैसा, तुहार गाड़ी, तुहार भोजन तोरे घरे जब्त करा देगा, ये ओम प्रकाश राजभर अपने माँ बाप का औलाद है। ये सोच ला वैसा ही ना आई, देखा हमरे पिताजी यही बैठल हुमन, हमरे बाबूजी बैठल हुमन, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा, हम हूँ एनऊ खड़ा हो जाई जे न जाने तो सोची कि दोनों जने भैया हुमन है ना, लेकिन नहीं साथियों, ये मेरे असली भगवान हैं, मेरी माँ भगवान हैं, मैं दोनों को आशीर्वाद लेकर के तब निकला हूँ, घर से निकलता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तब आज ओम प्रकाश राजभर यहाँ तक की ऊंचाई तक भारतीय समाज पार्टी के पहुँचाने में हमारी फौज महेंद्र राजभर जी के साथ, चाहे अर्जुन चौहान जी हों, चाहे रामेश्वर पासवान जी हों, चाहे हमारे वीरेंद्र राजभर जी हों, चाहे हमारे बलिराज जी हों, जितने हमारी फौज के लोग, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे हमारे सुरेंद्र सिंह हो, चाहे रुद्र प्रताप सिंह हो, हमारी महिला नेता हमारे राधिका पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पत्नी भी यहीं आई हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग अकेले आंदोलन चलाते, ऐसा नहीं है, देखो ये बैठी हुई है, हमारे पूरा परिवार चिल्लाते घूम के, बोला सही करते गलत करते, ये भाजपैया कहालन कुल, ये भाजपैया कहने के नहने का करिहन समझा थे हमें। अच्छा ये बतावा हनुमान जी लंका अकेला गलल ना कि दू जने, अकेला जाके लंका जरा दे ले वालन, अहिया जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अब एकरे बाद महिला सम्मेलन होगा, महिला सम्मेलन में ज्यादा नहीं 1,00,000 महिलाओं को जुटाने की बीड़ा राधिका पटेल और तारामणि राजभर इन दोनों की होगी, 1,00,000 महिला जुटाऊंगा, महिला सम्मेलन कराऊंगा। बोला होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए, अपने अपने घरे से अपने अपने परिवार के अपने अपने बहन को भाभी को माँ को उस रैली में भेजना है, लेकिन रुपया हमसे मत मांगे भैया। बोला रुपया देवे कि ना देवे, कोरोना जैसी महामारी में तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे, तुम्हें लाज नहीं लगा
और यहाँ ऑक्सीजन के लिए, यहाँ दवाई के लिए, बेड के लिए लोग मर रहे थे और तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे। ये ओम प्रकाश राजभर है, बलिया से लेके बांदा तक गंगा जी में लाश तैर रही थी, ये वोट मांग रहे थे कहाँ? बंगाल में। भुलाई ना बा, ये हमने के याद बा। यही बदे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम कहते हो रुपया नहीं, हम भार ही भार। ये जान जाओ हम जौने बिरादरी में पैदा आई, पूरे प्रदेश का खजाना जानत हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी 2 महीना में पूरा रुपया खर्चा करत हुई, उतना 1 महीना में हमार बिरादर खाली दारू पी जाला। तब बोला दारू बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए, कितना जने चाहता कि दारू बंद हो जाए, दोनों हाथ उठावा जे दारू बंद करावल चाह था, सही रही ने? अब देखा जे पिए तब हाथ नहीं उठावा था। तो साथी हम बिना लाग लपेट के अब आपके बीच में हम अपने मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले एक बार नारा लगा रहा हूं, आप लोग दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइएगा जैसे हम हाथ उठाए उसी तरह। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज में दम कम बा। ताऊ से बोला अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सादर आमंत्रित हैं, आप आइए और जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करिए। मंच पर हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अभी आपको संबोधन कर रहे थे और बड़े ध्यान से मैं उनका भाषण सुन रहा था, बहुत ध्यान से मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं इस मैदान को भी देख रहा हूं, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा है, पीछे तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। केवल ये महापंचायत नहीं चल रही है, जरा मुड़ करके देखो दाईं तरफ, दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है, बाईं तरफ देख लीजिए अभी पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे और जो हम टेंट के नीचे देखें अगर, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब
तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है, ये पीला रंग। पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें, देखिए इधर। और लाल टोपी भी सर में है, लेकिन सोचो हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं इस मैदान में, और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे हो आदि ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे, जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है। और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। और मैंने लखनऊ में कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है, और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ वह भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। इसलिए इस मंच पर उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित प्रेमचंद प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी के नेता बलराम यादव जी, अनिल सिंह चौहान जी, पूर्व मंत्री कई बार के विधायक दुर्गा जी, राम सागर बिंद जी, दयाराम पाल जी, बाबूराम पाल जी, राजीव राय जी, सुनील सिंह अर्कवंशी जी, अरशद अंसारी जी, सतीश बंजारा जी, बालक चौहान जी, गुलाब सिंह खंगवार, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर, महेंद्र राजभर, सालिक यादव जी, डॉक्टर बलिराज, ऋतुराज कश्यप, प्रेमचंद कश्यप जी, डॉक्टर महेश चंद प्रजापति जी, और बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित सभी सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता भागीदार मोर्चा के सभी हमारे नेता, और इस महापंचायत में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने, और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग,
और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक हो करके जब आगे चलेंगे, आगे एक हो करके संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था, पहले भी कहा मैंने और फिर कहता हूं इस मैदान में, और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले लोग, पीले पीले सुहेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे, जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं, जो ज्यादा बोलते थे बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है, जो खोया हुआ सम्मान उस सम्मान को पाने का चुनाव है, जो आपने सम्मान खोया है उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का, नहीं होगा? जब गठबंधन हुआ होगा, आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं, बताओ न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला, बताओ झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है। लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है, कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताओ कहां पहुंच गया उत्तर प्रदेश, कहां पहुंच गया। अभी मैं सुन रहा था कुछ कह रहे थे कि कुछ पाबंदी लग जाएगी, लेकिन बताओ धुएं पर पाबंदी कब लगेगी, किसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को, क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है, जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे। आज पेट्रोल की कीमत क्या है, आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई, और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो चालान के बाद चालान दे देते हैं। क्या हालत कर दी उत्तर प्रदेश की, क्या याद नहीं है आपको जिस समय लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा याद हो आपको,
लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया, कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया, लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली, कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई, न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की, आपको बेसहारा छोड़ दिया, आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। हाँ, बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे, न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी, कोई मदद गरीब की नहीं मिली और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई, लोगों को अनाज छोड़ दिया, न जाने कितने लोगों के घर में कोई नहीं बचा। ये संकट पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, उन पे पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के, और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे सबके साथ। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, बताया कि यहां बिस्तर हो गए गरीबों के लिए, इलाज और दवाई होगी, 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया, सपने दिखाए, पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया, लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे, उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अजीब सरकारें हैं, कैसी सरकारें हैं सोचो आप। दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं, कैसी सरकार। जिन्होंने गरीब की मदद करनी थी वो गरीब की मदद नहीं कर पाए, जो कारखाने बड़े बड़े थे जिनमें नौकरी और रोजगार मिल जाते, बताओ वो नौकरी वाले, कारखाने रोजगार वाले, कारखाने कहां चले गए, बताएं हिसाब किताब कहां है वो कारखाने। यही नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्या भविष्य है इनका बताओ। नौजवानों सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका, क्या भविष्य बना दिया आपका, न नौकरी न रोजगार। और जिनमें नौकरी और रोजगार भी कारखानों में मिल जाते, वो सरकार ने बेचने का काम किया, वो सब बिक गए। ये हमारा उत्तर प्रदेश देश इसलिए पहचान है, इसकी इसलिए पहचान है क्योंकि हम और आप लोग एक साथ रहते हैं। जब हम याद करते हैं महापुरुषों को, जब हम याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जब हम याद करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जब याद करते हैं आजादी के संघर्ष को, और जब हम तुलना करते हैं दुनिया में अपने देश की, तो कहां देश को पाते हैं। कभी सोचो आप कि आपका प्रदेश और देश कहां पहुंच गया है। आज प्रदेश में भुखमरी है, हमारे गरीबों पे भर पेट खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं है, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के कारण गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, बताओ किसान भाइयों, यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी,
याद है कि नहीं याद है आपको, यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई बताए हमें? अभी धान खड़ा है, क्या धान की कीमत आपको दोगुनी मिल जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी? कोई ऐसा है यहां पर जिसके खेत ना हो? क्या नौजवानों आपके खेत नहीं है क्या? एक तो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, हो जो खेती बाड़ी है वो भी मुनाफे की नहीं बची। बताओ, जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पेस्टिसाइड महंगा हो गया। बताओ, लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई आपकी? लागत बढ़ती चली जा रही है, आय दोगुनी नहीं हुई लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई, आकलन कर लो आप। और जब किसान अपना हक मांगने को निकले तब किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी, बताइए, जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उन टायरों से किसानों को कुचल दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो बता दो। इस हल्दर मैदान में सोचो, अगर हम उन किसानों को नहीं याद करेंगे, इस हल्दर मैदान में क्या हम अपने हल्दर भाइयों को नहीं याद करेंगे? जिसके कंधे पे हल वो हल्दर, क्या हमने आपने वो तस्वीरें नहीं देखी कि किसान जब अपना हक मांगने को गया, अपने अधिकारों को मांगने गया, तो इसी सरकार के एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया किसानों को, किसानों को कुचल दिया, उनकी जान चली गई। और अभी तक गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। तो बताओ, कौन उम्मीद करेगा कि जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया हो और पिताजी गृह राज्य मंत्री हो तो क्या न्याय मिलेगा? किसान भाइयों सोचो, अगर 3 कानून लागू हो गए तो आप अपने खेत में मजदूर हो जाओगे और खेती करने का भी अधिकार आपके हाथ में नहीं होगा। जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो तय करेंगे कि खेती कौन सी करनी है। ये 3 कालों कानून केवल किसान नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। जिन किसानों ने सदियों से अपनी खेत की सेवा की हो, उस मिट्टी को पूजा हो, उस खेत में काम किया हो, उनके खेतों को छीनने की साजिश हो रही है। और कोई 1-2 किसान नहीं मरे हैं, 600 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी वाले उन किसानों को याद भी नहीं कर रहे। सोचो आप, 600 से ज्यादा किसान मर गए हों, और अभी ललितपुर की घटना सुनी होगी आपने, खाद का कोई इंतजाम नहीं किसान भाइयों के लिए, अगर खाद लेने जाओगे तो खाद नहीं मिलेगी। अभी ललितपुर में किसान खड़े खड़े रह गए, 2 दिन तक खड़े रह गए किसान, नहीं खाद मिली, 1 किसान की तो वहीं मृत्यु हो गई लेकिन उसे खाद नहीं मिली। दूसरा नौजवान किसान ने आत्महत्या कर ली, उसे खाद नहीं मिली। बताओ, ऐसी सरकार जिसको हम और आप लोग अन्नदाता बोलते हो, जो हमारा पेट भरता हो, जो हमारा पेट भर करके हमें कपड़े पहनाता हो, उस किसान के सम्मान में हम खाद नहीं उपलब्ध करा सकते? ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार जो कहती है कि हम हवाई जहाज में चप्पल पहनने वालों को बिठा देंगे, जब हमारे किसान को जरूरत है तो खाद नहीं दे पा रहे, डीएपी की जरूरत है तो डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, ये कैसी सरकार है सोचो। और हमें आपको न जाने कितनी बार लाइन में लगा दिया, कभी लाइन में लगाया था नोटबंदी में, याद है कि नहीं याद है? और जिस समय नोटबंदी में लाइन में लगाया था तो याद है क्या कहा था?
कि काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ इस मैदान में उपस्थित सभी भाइयों, भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, और काला धन वापस आ गया कि नहीं आ गया? इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, इन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो काला धन और भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। और ये सरकार तो केवल नाम बदल रही है, रंग बदल रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है। हम लोगों ने गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलवाई, जो एम्बुलेंस चलवाई थी गरीबों के लिए कि उसे तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, उस एम्बुलेंस को भी खड़ा कर दिया है। पुलिस के लिए 100 नंबर दी थी व्यवस्था, पुलिस जल्दी पहुंच जाए, मदद करने के लिए पहुंच जाए, लेकिन उस पुलिस की व्यवस्था को भी खराब कर दिया। और ये पूर्वांचल की खुशहाली के लिए सबसे बड़ी सड़क बनाई थी, ये पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी सड़क बनी थी, ये अभी भी पूरी नहीं हुई है। ये मऊ को जोड़ने वाली सड़क जो आगे चली जाए गोरखपुर सलीमपुर, वो भी अभी नहीं बनी सड़क। जो काम शुरू किए गए थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए। बताओ कहां काम पूरे हो गए? कोई नया काम किया हो तो बता दो। हमारे किसान भाइयों, अगर 500 रुपया आपसे लिया जाए, दिया जा रहा है सम्मान में, तो डीजल पेट्रोल खाद और महंगाई का हिसाब लगा लेना। अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपकी घाटे में खेती है, घाटे में जा रहे हो आप, मुनाफे में नहीं जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो। और सिलेंडर पे बहुत मांगा गया था वोट, हमारे गरीबों को सिलेंडर बांट करके बहुत वोट मांगा गया था। बताओ गरीब भाइयों, कहां सिलेंडर भर पा रहे हो आप? सिलेंडर भर पा रहे हो? तो इसलिए याद रखना, इन्होंने बहुत झूठ बोला है, बहुत लोगों को गुमराह किया है, इसलिए अपने वोट से सम्मान वापस लेने का काम करोगे कि नहीं करोगे? के साथ, दलितों के साथ जो अपमान की सरकार चलाई इन्होंने, बताओ अपने वोट से सम्मान छीनोगे कि नहीं छीनोगे? इसलिए आज मैं कह सकता हूं ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में हुआ है, ऐतिहासिक। मुझे जानकारी मिली है कि मऊ से बलिया पूरी सड़क जाम है, अभी बलिया के लोग नहीं पहुंच पाए यहां पर, पूरी जाम है सड़क। और इस मैदान को भी बड़ी मुश्किल से मिला है हमें और आपको एक जगह इकट्ठा होने के लिए। इस मैदान को देने वाले उत्तम सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मैदान दे दिया जिसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई में जो हमें सहयोग मिल रहा है, आपका जो समर्थन मिल रहा है, ये ऐतिहासिक समर्थन, ये ऐतिहासिक परिणाम देगा। और जो खोया हुआ सम्मान है आपका, उस सम्मान को देने का काम और दिलाने का काम हम मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग देंगे आपको। और ये बदलाव आपसे आएगा। हम सब तो आ गए हैं, एक साथ मंच में हैं, लेकिन असली बदलाव आपको लाना है। दुनिया में जब हम तुलना करते हैं अपने प्रदेश की, देश की, तो हमारे प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया है। हमारी यही माताएं बहनें, यदि पेंशन छीन ली 500 रुपए की, आप सरकार बनाओ, महंगाई बढ़ गई है,
हमें अगर तीन गुना भी बढ़ा के देना पड़ा तो इन माताओं बहनों का सम्मान करने का काम समाजवादी पेंशन से देने का काम होगा। इस सरकार ने कोई बिजली नहीं बनाई, इस सरकार ने कोई बिजली नहीं बनाई, अब थोड़ी बहुत शायद बनाई हो तो बनाई हो, लेकिन 4.5 साल में कोई बिजली नहीं बनाई। और बताओ बिजली के बिल कितने महंगे हो गए आपके, जब आपने डबल इंजन की सरकार बनवा दी, एक इंजन वाली सरकार नहीं है, डबल इंजन वाली सरकार है, तो बताओ बिजली के बिल कितने महंगे आ रहे हैं आपके पास, न जाने कितने महंगे आ रहे हैं। और ये हमारे नौजवान मोटरसाइकिल चलाने वाले, बताओ पेट्रोल कितने में भराना पड़ रहा है, 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया। और ये सरकार चलती रही तो हो सकता है चुनाव तक 150 ना पहुंचा दे। ये याद है, ये सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर बढ़ रहा रुपया नीचे जा रहा है, याद है कि नहीं याद है, बताओ डॉलर कहां चला गया, रुपया कहां पहुंच गया है। और जिस हमारा कितना 100 रुपया पार हो गया है, अब बीजेपी वाले डॉलर और उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि रुपया हमारा नीचे चला गया है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए इस मौके पर, गरीब वंचित दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों को एक साथ जोड़ करके उनके हक और सम्मान को दिलाने के लिए साथ आए हैं। और मैंने शुरू में जो बात कही उस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। बताओ बंद करोगे कि नहीं करोगे, अगर आप बंद कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर मैं कहकर के जा रहा हूं आपसे कि लड़ाई लंबी है और चुनाव से पहले कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन आप अपनी महंगाई मत भूलना कि 4.5 साल में किस तरह महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से नौजवानों के नौकरी और रोजगार के अवसरों को छीना गया है, किस तरीके से पेट्रोल महंगी हो गई, किस तरीके से डीजल महंगा हो गया है, किस तरीके से हमारी बेटियों के साथ अपमानित होना पड़ रहा है। आज कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, सबसे खराब व्यवस्था में सबसे आगे है, भुखमरी में सबसे आगे हैं। तो सोचो क्या प्रदेश बना दिया हो, वो प्रदेश जिसकी जनता ने सबसे ज्यादा लोकसभा जिताए हों, सबसे ज्यादा विधायक जिताए हों, उसके बाद सबसे बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश की जनता को मिला हो। इसलिए इस चुनाव में जो 22 का चुनाव आने वाला है, किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं, ये आपके भविष्य का चुनाव है, माताओं बहनों आपका चुनाव है, ये हमारे स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों ये आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। और नौजवानों भूलना मत, ये आपके भविष्य का चुनाव है, इस बार चूक गए तो 5 साल और पीछे चले जाओगे। इसलिए अगर भविष्य बनाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हो, इस उत्तर प्रदेश के झूठे लोगों से बचाना चाहते हो, तो इस गठबंधन की मदद करना और गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना, यही निवेदन करने आया हूं। मैं एक बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई देता हूं, उनके साथ जितने भी मंच में नेता हैं उनको बधाई, आयु तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जनसमूह देखने को मिला है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको।
इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। उपेंद्र चौहान जी का मोबाइल और पैन कार्ड, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड कहीं छो गया है साथियों, जिन साथियों को मिला हो कम से कम उनका एटीएम कार्ड और पैन कार्ड देने का काम करेंगे उपेंद्र चौहान जी का। उपेंद्र चौहान जी का पैन कार्ड और सिम कार्ड खो गया है, उसे कहीं मिले इस साथी को तो उन्हें देने का कष्ट करेंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ उनका एटीएम और पैन कार्ड आप जरूर पहुँचा देंगे। धन्यवाद।